हेलो गाइज, मैं हूं निलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग ओनली HTML, CSS एंड JavaScript। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, ये रहेगा अपनी वेबसाइट का फर्स्ट लुक, जिसमें टॉप के ऊपर हमने दो लिंक्स क्रिएट किए हुए हैं, रजिस्टर्ड और लॉगिन का। साथ में ही राइट साइड के अंदर हमने सोशल मीडिया आइकन्स क्रिएट किए हैं, जिनके ऊपर मैंने एक हॉवर इफेक्ट ऐड किया है। एंड देन नीचे हमारी सेकंड नेविगेशन रहेगी, जिसके अंदर मैंने कॉन्टैक्ट में ईमेल और मोबाइल नंबर ऐड किया है। मिडिल सेक्शन में अपना लोगो हो जाएगा और राइट सेक्शन में कॉन्टैक्ट अस की मैंने लिंक प्रोवाइड करी है। एंड जो थर्ड नेविगेशन है वो हमारे मेन्यूज रहेंगे, जिनके ऊपर हमने हॉवर इफेक्ट क्रिएट किया है। और साथ में मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी क्रिएट किया है, तो ये हमारी मेन्यू बार रहेगी। देन नीचे हमारी एक इमेज रहेगी, जिसके लेफ्ट साइड में हमारा एक बटन रहेगा और नीचे हमारी हेडिंग रहेगी। ये जो हमारी इमेज है, इसके ऊपर भी हमने इफेक्ट ऐड किया है। जैसे जो लेफ्ट वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है डार्क कलर का, इसको हमने CSS से डिजाइन किया है। और जो राइट साइड के अंदर आपको ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, वो भी हमने CSS की हेल्प से इसको क्रिएट किया है। साथ में अब देखिए, करते हैं इसको हम स्क्रॉल, तो देखिए नीचे आता है हमारा न्यू अराइवल का सेक्शन। ये देखिए, ये कंप्लीट हमारा न्यू अराइवल का सेक्शन है, जिसके ऊपर भी हमने एक अमेजिंग हॉवर इफेक्ट क्रिएट किया है। सो ये इफेक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए और करते हैं इसको स्क्रॉल, नीचे आता है अपना पॉपुलर प्रोडक्ट का सेक्शन। सो ये हमारा पॉपुलर प्रोडक्ट वाला सेक्शन रहेगा, इसके ऊपर भी हमने एक हॉवर इफेक्ट क्रिएट किया है। और करते हैं इसको स्क्रॉल, नीचे आता है अपना टॉप ट्रेंड्स। यहाँ पे हमने एक 3D स्लाइडर क्रिएट किया है। ये देखिए, यहाँ पे आपको इसमें 3D लुक दिखाई दे रहा होगा गाइस। साथ में इसको हम स्वाइप करके भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम स्वाइप करके भी चेंज कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिक भी स्लाइड होता रहता है। एंड देन करते हैं इसको स्क्रॉल, तो नीचे आता है अपना फुटर सेक्शन। तो चलिए इस वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। तो करते हैं इसको मोबाइल व्यू में ओपन। ये देखिएगा, इस मोबाइल व्यू में हमारी वेबसाइट का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा होने वाला है। टॉप पे आपको देखिए सोशल मीडिया आइकन्स दिखाई देंगे, नीचे हमारा लोगो दिखाई देगा और हमारे जो मेन्यूज है वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखिए, जैसे ही मैं करता हूँ इस पे क्लिक, हमारे मेन्यूज हमें यहाँ पे स्वाइप होके दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अगेन करते हैं इस पे क्लिक, हमारे मेन्यू हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं और ये रही हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो इस तरीके से हमारी नेविगेशन बार हो जाएगी। अब चलिए, यहाँ पे मैंने एक इफेक्ट और ऐड किया है। यहाँ पे देखिए, जो आपकी इमेज है वो उसी जगह पे फिक्स रहेगी और जो अपना टेक्स्ट है वो मूव करेगा। ये देखिए, जैसे ही करते हैं इसको स्क्रॉल, इमेज आपकी फिक्स्ड है, जो टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हमने ये इफेक्ट भी ऐड किया है। और करते हैं इसको नीचे स्क्रॉल, तो नीचे आता है हमारा न्यू अराइवल वाला सेक्शन। सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। चलिए करते हैं और स्क्रॉल, तो नीचे हमारा ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे एड कार्ट के साथ में। अब नीचे आता है अपना पॉपुलर प्रोडक्ट। ये देखिए, सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो जितने भी सेक्शंस हैं वो आपके सारे कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होने वाले हैं। और करते हैं इसको स्क्रॉल, तो नीचे देखिए, नीचे आता है अपना स्लाइडर। तो ये है अपना 3D स्लाइडर, देखिए ऑटोमेटिक स्लाइड हो रहा है। और नीचे आता है अपना फुटर सेक्शन, तो ये हमारा फुटर होने वाला है। सो ये कंप्लीट वेबसाइट आपको कैसी लगेगा इस कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग ट्यूटोरियल्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट जरूर करिए यार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है ई कॉमर्स वेब नेम से। इसको जब ओपन करते हैं तो देखिए, इमेजेस नेम का फोल्डर रहने वाला है, index.html की फाइल और style.css की फाइल रहेगी। तो बस अभी मैंने इतना ही क्रिएट कर रखा है और इसी फोल्डर को मैंने अपने एडिटर में ओपन कर रखा है। ये हमारी HTML की फाइल है, जिसके अंदर मैंने style.css वाली फाइल को लिंक कर रखा है। तो ये हमारी CSS वाली फाइल है और ये हमारी HTML की फाइल है। बस हमने इतना ही कोड पहले से कर रखा है। अब चलिए, जो एक्सटर्नल चीजें हमें इंक्लूड करनी है, पहले उनको इंक्लूड कर लेते हैं। आते हैं हम गूगल में और सर्च करते हैं। देखिए, सबसे पहले फॉन्ट ऑसम CDN W3 स्कूल से कर लेते हैं, बहुत सिंपल होता है। जस्ट हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है तो W3 स्कूल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें इसको स्क्रॉल कर लेना है और देखिए, ये जो हेड सेक्शन में लिंक है, जस्ट इसी लिंक को कर लेना है अपने को कंप्लीट कॉपी। और देखिए, हेड सेक्शन में हमें कर लेना है इस लिंक को पेस्ट। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट ऑसम को लिंक कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, हमें क्या करना है, अगेन गूगल में आना है। अब हमें गूगल फॉन्ट्स का यूज करना है। जैसा कि देखिए, यहाँ पे आपको अलग फॉन्ट दिखाई दे रहा होगा, तो ये फॉन्ट हमने
गूगल फॉन्ट का हेल्प से क्रिएट किया है। देखिए सबसे पहले हमें सर्च करना है गूगल फॉन्ट। यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रोबोटो फॉन्ट ले लेना है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए हमें यहाँ पे इसकी स्टाइल को चूज कर लेना है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टाइल को चूज कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, जस्ट इस लिंक को कॉपी कर लेना है, यहाँ से एडिटर में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब देखिए इस अगेन आते हैं ब्राउजर पे और ये जो आपकी फॉन्ट फैमिली है इसको भी कॉपी कर लेना है। आते हैं एडिटर में और इस बार हमें CSS वाली फाइल के अंदर आना है और बॉडी के अंदर इसको कर लेना है हमें पेस्ट। नेक्स्ट फॉन्ट हमें देखिए दूसरा जो है वो हमें चाहिए अकाया नेम से है और यहाँ पे सर्च करते हैं अकाया। ये देखिए जस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है, जस्ट इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे एक सेकंड पहले सबको रिमूव कर देते हैं जितने भी हैं। अब इस पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे लिंक आ जाएगी, जस्ट इस लिंक को हमें कॉपी कर लेना है। आना है हमें HTML वाली फाइल में और जस्ट इस लिंक के नीचे कर लेना है हमें पेस्ट। और ये वाला जो फॉन्ट है देखिए इसकी जो फॉन्ट फैमिली है इसको भी हमें कॉपी कर लेना है और इस फॉन्ट फैमिली को मैं एक बार कमेंट करके ऐड कर लेता हूँ क्योंकि अभी हमें ये वाला फॉन्ट अप्लाई नहीं करना है, तो इसको मैं एक बार कमेंट में रख लेता हूँ, जहाँ भी हमें चाहिएगा इसका हम यूज कर लेंगे। तो चलिए एक्सटर्नल काम हो गया अपना कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो HTML वाली फाइल है इसके अंदर देखिए हमें कौन कौन से कलर्स यूज करने हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उन सबको हम पहले एक रूट नेम की क्लास के अंदर स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल बना के। जैसे देखिए कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे एक क्लास अप्लाई करता हूँ रूट। अब देखिए इस रूट के अंदर जो जो हमें चीजें चाहिए वो सारी इंक्लूड कर लेते हैं वेरिएबल बना के। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्राइमरी नेम से, आप किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हो। अब देखिए प्राइमरी के अंदर मैं एक प्राइमरी कलर सेट कर दूंगा, हमारी वेबसाइट का जो प्राइमरी कलर है वो होगा, ये देखिए यहाँ पे मैं उसको स्क्रॉल कर देता हूँ। हमारी वेबसाइट में दो कलर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका ये रेड कलर, दूसरा है आपका ये ब्लैक कलर। तो ये दोनों कलर हो जाएंगे अपनी वेबसाइट के प्राइमरी और सेकेंडरी कलर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और लाइट तीनों कलर्स को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, जहां पे भी हमें इन कलर्स का यूज करना होता है हमें जस्ट क्या लिखना होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और लाइट। ये आपकी वेरिएबल हो गए, प्रोग्रामिंग में आपने सीखा होगा कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर कराते हैं, सेम एज इट इज यहाँ पे हमने क्या किया, कलर्स को वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया है CSS में। तो देखिए हो गया ना अपना काम सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, सबसे पहले आना है हमें HTML वाले फाइल में, यहाँ पे अब क्रिएट करते हैं अपना हेडर टैग। अब देखिए हेडर टैग को हमें स्टाइल कर लेना है, तो अगेन आते हैं CSS वाली फाइल में और यहाँ पे जो अपना हेडर टैग है उसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल क्या करना है, बस हमें विड्थ सेट कर देनी है इसकी 100% और सेम एज इट इज जो हाइट है उसको भी सेट कर देते हैं 100 VH यानी व्यू पोर्ट हाइट। देखिए इस बार मैं ओनली इतनी ही स्टाइलिंग हेडर के अंदर अप्लाई करूंगा। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, आते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखिए सबसे पहले हमें क्रिएट करनी है अपनी ये टॉप वाली नेविगेशन, जिसके अंदर आपको दो सेक्शन क्रिएट करने हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं अपनी HTML वाली फाइल के अंदर, हेडर के अंदर मैं एक नेव टैग लेता हूँ, क्लास दे दूंगा नेव वन, ठीक है, नेविगेशन फर्स्ट हो जाएगी अपनी। अब इसके अंदर मैं दो डिव लूंगा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था दो डिव, तो फर्स्ट वाला डिव हो जाएगा उसकी क्लास सेट कर देंगे हम लेफ्ट और जो सेकंड वाला डिव है उसकी क्लास हम सेट कर देंगे राइट। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं, क्लास को कर देंगे चेंज। देखिए जो लेफ्ट वाला डिव है इसके अंदर आपको क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है ये हेडिंग और दो लिंक, तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे हमने हमारी जो हेडिंग है इसको एक स्पैन टैग में क्रिएट किया है, साथ में अपनी जो दोनों लिंक्स हैं उनको मैंने एंकर टैग से क्रिएट कर लिया है। तो लेफ्ट वाले डिव का काम कंप्लीट हो गया। अब राइट वाले डिव के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें ओनली ये आइकन्स को क्रिएट करना है, तो चलिए इन आइकन्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे आइकन्स को क्रिएट कर लिया है, सेव करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट। ये देखिए यहाँ पे आपको लिंक्स और आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे जाए। ये देखिए अब इनको करते हैं स्टाइल, तो आते हैं अपनी एडिटर के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जो क्लास हमने सेट करी है नेव1
इसको स्टाइल करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम विड्थ सेट कर देंगे 100% की, और जो हाइट है उसको सेट करेंगे यहाँ पे 80 पिक्सल की। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें फ्लैक्स बॉक्स अप्लाई करना है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे, और जो अलाइन आइटम्स है उनको हम कर देंगे सेंटर। साथ में ही फ्लैक्स रैप करूंगा मैं यहाँ पे, रैप सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेंटर में आ चुके हैं। इसको फुल स्क्रीन व्यू में ओपन कर लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, बॉक्स शेडो ऐड कर देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो देखिए इसके अंदर अप्लाई करते हैं बॉक्स शेडो, कलर हो जाएगा इसका ग्रे। साथ में ही जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हम कर देंगे सेंटर, सेव करते हैं, तो ये देखिए परफेक्टली आपका सेंटर में आ चुका है। अब जो लेफ्ट वाला सेक्शन है इसको हमें स्टाइल करना है, तो देखिए आते हैं एडिटर में, यहाँ पे जो आपका नेव वन है उसके अंदर जो लेफ्ट वाली आपकी क्लास है यानी जो लेफ्ट वाला डिव है उसको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल क्या करना है, बस हमें फ्लेक्स बेसिस सेट कर देना है। फ्लेक्स बेसिस गाइज विड्थ होती है, तो यहाँ पे मैं इस डिव की विड्थ सेट कर दूंगा 50% की, और इसके अंदर लेटर स्पेसिंग एड करते हैं ताकि ये चिपके हुए ना रहे, थोड़े से लेटर्स उनमें कर देंगे 2 पिक्सल की, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए परफेक्टली इतना सेट हो चुका है। लेफ्ट वाले सेक्शन के अंदर आपके जो लिंक्स है इनको स्टाइल करते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं, नेव वाले क्लास के अंदर जो आपके एंकर टैग हैं, ओके ऐसे नहीं करना, नेव वन के अंदर जो आपकी लेफ्ट वाली क्लास है उसके अंदर जो एंकर टैग है उसको हमें स्टाइल करना है, नन कर देना ताकि उसकी अंडरलाइन रिमूव हो जाए। एंड देन देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका जो कलर है उस कलर को हमें सेट कर देना है प्राइमरी, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए कलर आपका चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए फॉन्ट वेट है उसको हमें कर देना है बोल्ड। अब साथ में ही देखिए मैं इसके अंदर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो मार्जिन ऐड करते हैं टॉप और बॉटम से, कुछ भी नहीं लेफ्ट और राइट से 5 पिक्सल का, सेव कर देते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। तो देखिए आपको यहाँ पे दोनों लिंक्स के बीच में गैप मिल गया, मार्जिन हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब देखिए हमें जो हमारा राइट वाला सेक्शन है इसको स्टाइल करना है, तो राइट वाले सेक्शन को हमें क्या करना है, पहले देखिए सबसे पहले हमें जो राइट वाला डिव है उसका भी फ्लेक्स बेसिस सेट कर देना है, तो फ्लेक्स बेसिस विड्थ होती है, इसकी विड्थ भी हम सेट कर देंगे 50%। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, राइट वाले सेक्शन के जो अंदर आपके आइकन्स हैं उनको हमें स्टाइल कर लेना है। सबसे पहला काम होता है इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देना, तो चलिए फॉन्ट साइज आइकन की बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल। जो मार्जिन है उनको हम सेट कर देते हैं, तो मार्जिन सेट कर देंगे टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 15 पिक्सल, तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारे आइकन्स इतने सेट हो चुके हैं। अब देखिए इन आइकन्स में हमें क्या करना है, आइकन का जो बैकग्राउंड है उसको हमें सेट कर देना है प्राइमरी, एंड देन देखिए जो टेक्स्ट का कलर है उसको हमें सेट कर देना है वाइट। इसको भी आप रूट के अंदर सेव करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट ऐसे ही कर देता हूँ। अब देखिए इतना सेट हो गया, अब इसके अंदर हमें थोड़ी पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी, इसमें ऐड कर देते हैं पैडिंग, और पैडिंग देखिए 8 पिक्सल की दे देते हैं, बहुत है 8 पिक्सल। साथ में जो कर्सर है अपना उसको सेट कर देंगे पॉइंटर, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए परफेक्टली हमारे आइकन्स यहाँ पे सेट हो चुके हैं। अब इनके ऊपर हॉवर इफेक्ट क्रिएट करते हैं, देखिए आपकी नेविगेशन वन है उसके अंदर जो राइट वाला डिव है उसके अंदर जो आई टैग हैं आपके आइकन्स हैं उनके ऊपर जब होगा होवर तो होना क्या चाहिए, उनका जो ट्रांसफॉर्म है वो हो जाए रोटेट, कितना 360 डिग्री, घूमते हुए दिखाई देने चाहिए। तो आइकन्स के अंदर हम ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, देखें तो इस इन आउट, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपना ये वाला इफेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है अपनी सेकंड वाली नेविगेशन, तो चलिए इसको भी क्रिएट कर लेते हैं, आते हैं अपनी HTML वाली फाइल में, और इस के बाद में अगेन एक नेव टैग क्रिएट करते हैं। उसके पहले यहाँ पे हमें कोड कमेंटिंग करना भी जरूरी है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं नेव वन एंड, तो नेव वन को हमने एंड कर दिया है यहाँ पे। अब कमेंट देखिएगा, इस कोड को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है, यहाँ पे मैं अगेन लिख देता हूँ नेव टू स्टार्ट, तो देखिए नेव टू स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे अगेन एक कमेंट कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं नेव टू
एंड अब इसके बीच में आपकी जो नेविगेशन सेकंड है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं, ये कमेंट ओनली डेवलपर्स को समझने के लिए। अब देखिए इसमें अगेन नेव टैग लगाते हैं और क्लास सेट कर देंगे नेव टू नेविगेशन सेकंड। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए, इसके अंदर हमें कितने डिव चाहिए, एक डिव, दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तो तीन डिव हमें इसके अंदर क्रिएट करने हैं। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं, एक डिव क्रिएट करते हैं फर्स्ट वाला, इसकी क्लास सेट कर देंगे लेफ्ट और सेकंड, सॉरी इसकी क्लास मैं ऐसे कुछ सेट करूंगा नेव टू लेफ्ट। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगेन एक डिव क्रिएट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने तीनों डिव क्रिएट कर लिए हैं। अब इन तीनों डिव के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, फर्स्ट वाले के अंदर हमें ईमेल और कॉन्टेक्ट नंबर, सेकंड वाले में लोगो और थर्ड वाले में ये एक लिंक क्रिएट करनी है। तो चलिए आते हैं एडिटर में, देखिए जो लेफ्ट वाला है उसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल। सो देखिए यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर और ईमेल को ऐड कर दिया है विद आइकन, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। तो ये देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल हमारी यहाँ पे आ चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, देखिए जो सेकंड वाला है इसके अंदर लोगो क्रिएट करना है। देखिए लोगो कैसे क्रिएट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिया है और एक पैराग्राफ लिया है, तो ये अपना लोगो हो जाएगा। अब देखिए जो राइट वाला डिव है इसके अंदर हमें एक आइकन क्रिएट करना है और कॉन्टेक्ट की लिंक बनानी है, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें तीनों डिव के अंदर जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो सारी हमने ऐड कर ली, बस अब क्या करना है हमें इनको स्टाइल करना है। तो आते हैं एडिटर में, अब देखिए करना क्या है, स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल में आना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपकी नेव टू है क्लास है आपकी, डॉट के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को। अब देखिए इसको स्टाइल करते हैं और साथ में ही जो हाइट है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे 120 पिक्सल की। तो यहाँ पे हमने हाइट सेट कर दी है, अब इसमें भी लगा देते हैं फ्लैक्स बॉक्स, तो डिस्प्ले फ्लैक्स। अब देखिए जस्टिफाई कंटेंट हमें दे देना है इसमें स्पेस बिटवीन, और नेक्स्ट देखिए अलाइन आइटम्स हमें कर देना है सेंटर। जो फ्लैक्स रैप है उसको हमें कर देना है रैप, एंड देन जो टेक्स्ट अलाइन है उसको हमें कर देना है सेंटर। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए मैजिक ऑटोमेटिक इतना हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों साइड से काफी चिपके हुए हैं, तो देखिए कम्प्लीटली अब इसको हम स्टाइल करने वाले हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, इन तीनों डिव को हम एक साथ में स्टाइल करने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं, नेव टू के अंदर जो आपकी क्लास है नेव राइट, सॉरी नेव लेफ्ट, एंड देन देखिए कॉमा लगाते हैं, इसके बाद में जो दूसरी वाली क्लास कौन सी है इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे दूसरी वाली हो जाएगी सेंटर, अगेन कॉमा लगाते हैं और जो थर्ड वाली है वो हो जाएगी आपकी नेव राइट और नेव टू है साथ में, यहाँ पे देखिए इसके पहले भी लगा देते हैं नेव टू। यहाँ पे हमने तीनों क्लासेस को एक साथ में ले लिया है, अब इनको करते हैं स्टाइल। देखिए मैंने ऐसा कैसे लिखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी क्लास है नेव टू लेफ्ट, नेव टू सेंटर एंड नेव टू राइट, इन तीनों को मैंने एक साथ में ही सिलेक्ट कर लिया है सी एस एस के अंदर। तो नेव टू के अंदर जो आपकी नेव टू लेफ्ट वाली क्लास है, नेव टू के अंदर जो नेव टू सेंटर वाली क्लास है, नेव टू के अंदर जो नेव टू राइट वाली क्लास है, इन तीनों को मैंने एक साथ लिख लिया है। अब देखिए इनको स्टाइल करते हैं, स्टाइल क्या करना है, सबसे पहला काम होता है फ्लेक्स बेसिस सेट कर देना। तो तीनों की विड्थ मैं एक साथ सेट कर दूंगा 30%, तो पर्टिकुलर हर एक एक क्लास को 30% का फ्लेक्स बेसिस मिल जाएगा। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट इसके अंदर जो मार्जिन है उसको हमें सेट कर देना है ऑटो, ताकि ऑटोमेटिक सेट हो जाए, और जो कर्सर है उसको सेट कर देंगे पॉइंटर। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, अब देखिए जैसे ही होवर करते हैं कर्सर आपका पॉइंटर हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली इतना सेट हो चुका है। अब देखिए जो ये आइकन है ये काफी चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो आपकी नेव टू है उसके अंदर जो आपकी क्लास है नेव टू लेफ्ट वाली उसको स्टाइल करते हैं, सॉरी उसके अंदर जो आपके आई टैग हैं उनको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल क्या करना है, बस हमें मार्जिन लेफ्ट ऐड कर देना है थोड़ा सा, कितना 15 पिक्सल का, ताकि आइकन्स चिपके हुए ना रहे। सेव करते हैं, आते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको 15 पिक्सल का गैप
मिल चुका है मोबाइल नंबर और ईमेल के बीच में। देखिए जो आपका सेंटर वाला है अपना लोगो है, इसको थोड़ा स्टाइल करते हैं। स्टाइल क्या करेंगे, देखिए जो आपकी क्लास है नेव टू, उसके अंदर जो हमारी क्लास है नेव टू डैश सेंटर, उसको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल क्या करेंगे, इसके अंदर जो आपकी हेडिंग है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा H1 है, लोगो है, उसको स्टाइल करते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटर वाले डिव के अंदर जो हमारा H1 है, इसको हमें स्टाइल करना है। तो देखिए स्टाइल कैसे करते हैं, जो कलर है वो हमें सेट कर देना है प्राइमरी, और उसके बाद में जो फॉन्ट साइज है उसको कर देंगे 2 रैम की, एंड देन देखिए जो लेटर स्पेसिंग है उसको ऐड कर देंगे 5 पिक्सल की, और साथ में ही जो फॉन्ट वेट है उसको हम कर देंगे यहाँ पे बोल्ड। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। लेकिन हमें मल्टी कलर चाहिए, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, देखिए यहाँ पे मैंने एक स्पेन टैग क्रिएट किया था। ये देखिए दुकान को मैंने स्पेन टैग के बीच में लिखा था, तो इस स्पेन टैग को अब हमें स्टाइल करना है। देखिए इसी क्लास को यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और नीचे आने के बाद में कर लेते हैं पेस्ट। अब H1 के अंदर जो आपका स्पेन टैग है उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल क्या करना है, बस इसका जो कलर है उसको हमें इस बार सेट कर देना है सेकेंडरी। तो देखिए सेट कर लिया है, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए परफेक्टली इतना सेट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो आपका ये पैराग्राफ है ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है, तो इसको भी स्टाइल कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और H1 की जगह हम लिख देंगे पी टैग, तो पी टैग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो कलर है उसको हमें सेट कर देना है ग्रे, इसको भी हमें वापस सेट कर देना चाहिए था रूट के अंदर, कोई बात नहीं डायरेक्ट लिख देंगे। और इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको हमें सेट कर देनी है 15 पिक्सल की, साथ में इसको टॉप से हमें मार्जिन दे देना है। चलिए मार्जिन दे देते हैं टॉप से इसको 5 पिक्सल का। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए परफेक्टली हमारा लोगो भी सेट हो चुका है। अब जो ये राइट के अंदर आइकन है ये काफी चिपका हुआ है इससे, तो इसको भी हमें स्टाइल कर लेना है। देखिए स्टाइल कैसे करते हैं, नेव टू के अंदर जो आपकी क्लास है नेव टू डैश राइट वाली, इसके अंदर जो आई टैग है इसको हमें स्टाइल करना है, थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देना है। देखिए तो मार्जिन ऐड करते हैं टॉप और बॉटम से, कुछ भी नहीं लेफ्ट और राइट से कर देंगे 5 पिक्सल का। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखें यहाँ पे आपको गैप मिल चुका है। तो हमने हमारी सेकंड नेविगेशन बार भी कंप्लीट कर ली है। चलिए अब नेक्स्ट क्रिएट करते हैं अपनी ये नेविगेशन बार। तो उसके लिए आते हैं एडिटर के अंदर, एंड अब इसके बीच में नेविगेशन जो थर्ड वाली है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो एक नेव टैग क्रिएट करते हैं, और चलिए इसको क्लास दे देंगे यहाँ पे नेव 3। अब इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर क्रिएट करते हैं अपने लिस्ट आइटम्स विद आइकन्स। सो यहाँ पे हमने अपनी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर ली है विद आइकन्स। देखें यहाँ पे मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या किया है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ली है, उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम क्रिएट किया है, लिस्ट आइटम के ऊपर मैंने लिंक्स बनाई है। तो लिंक्स हम ahref से क्रिएट करते हैं, और उस लिंक के अंदर मैंने आइकन लगाया है, और साथ में अपनी जो लिंक है वो इस टेक्स्ट के ऊपर क्रिएट करी है। तो एज इट इज मैंने बाकी की लिंक्स क्रिएट कर ली है सेम एज इट इज। चलिए सेव करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट, आते हैं अपनी फाइल पे। तो ये देखें यहाँ पे अपने पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो चलिए अब करते हैं इसको स्टाइल। तो आते हैं अपने एडिटर के अंदर, और style.css वाली फाइल में आ जाना है। सबसे पहले हमें किसको स्टाइल करना है, जो हमारी नेव 3 क्लास है उसको हमें स्टाइल करना है। सॉरी डॉट हमें स्टार्टिंग में लगा देना है। अब देखिए इसको स्टाइल कैसे करते हैं, सबसे पहला काम होता है इसकी विड्थ सेट कर देना। तो विड्थ सेट कर देंगे हम 100% की। अब देन देखिए हमें क्या करना है, इसकी जो हाइट है उसको हम सेट करेंगे यहाँ पे 70 पिक्सल की, ताकि जो हमारी लिंक्स है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए वर्टिकली। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए अभी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, काफी अजीब है, कोई बात नहीं इनको भी स्टाइल करेंगे। आते हैं अपने एडिटर के अंदर, अब देखिए हमें किसको स्टाइल करना है, जो अपनी नेव 3 है उसके अंदर जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, सबसे पहले क्या कर देना है हमें, उसका लिस्ट स्टाइल कर देना है नन। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए यहाँ से उनकी जो लिस्ट स्टाइल है वो नन हो चुकी है। अब देखिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट अलाइन कर देना है सेंटर। तो टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर, सेव करते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए परफेक्टली
सेंटर में आ चुके हैं। अभी हमें वर्टिकली दिखाई दे रहे हैं, जो अपने लिस्ट आइटम्स हैं वो सारे वर्टिकली है। तो अब हमें इन लिस्ट आइटम्स को स्टाइल करना है। देखिए कैसे करेंगे, नेव 3 के अंदर जो आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो आपके लिस्ट आइटम है उनको हमें स्टाइल करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए जो डिस्प्ले है उसको कर देना है इनलाइन ब्लॉक। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए परफेक्टली ऑटोमेटिक एक लाइन के अंदर आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारे एलाइज हैं उनकी हमें विड्थ सेट कर देनी है 150 पिक्सल की। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए इनके बीच में हमें गैप मिल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमारे एंकर टैग्स हैं उनको स्टाइल करना है। तो जो लिस्ट आइटम के अंदर आपके एंकर टैग्स हैं उनको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना ताकि अंडरलाइन रिमूव हो जाए। उसके बाद में इनका जो कलर है वो हम सेट कर देंगे प्राइमरी। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए सबका कलर प्राइमरी हो चुका है 500। एंड उसके बाद में नेक्स्ट देखिए हमें क्या कर देना है, डिस्प्ले एज ए कर देना है इनको ब्लॉक। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो एज ए ये ब्लॉक की फॉर्म में हमें दिखाई देने लग गए। अब चलिए इनके ऊपर हॉवर इफेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए आते हैं एडिटर में। अब देखिए जो आपकी एल आई है उसके अंदर जो एंकर टैग है उस पर जब होता है हॉवर तो होना क्या चाहिए, इनका जो कलर है वो हो जाए प्राइमरी। अब देखिए सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए प्राइमरी तो पहले से ही है, तो हमें क्या करना है, जो आइकन्स हैं उनका कलर हमें प्राइमरी करना है और जो लिंक्स हैं उनको हमें एज इट इज ब्लैक कलर में सेट कर देना है। तो देखिए जहाँ पे हमने ये एंकर टैग क्रिएट किया है इसका कलर हम सेट कर देंगे यहाँ पे ब्लैक। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए अपनी वाली फाइल पे आना है। यहाँ पे इन सबका कलर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। अब जो ये आई हॉवर पे हमें प्राइमरी कलर दिखाई दे रहा है, इतना हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन जो हमारे आइकन्स हैं इनका कलर भी ब्लैक हो चुका है, तो इनका कलर हमें चेंज करना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले इन्हीं को स्टाइल कर लेते हैं। तो अगेन इसी को पेस्ट, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे नेव 3 के अंदर जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर जो आपके आई टैग्स हैं आइकन्स हैं सबसे पहले उनका जो कलर है वो हमें सेट कर देना है प्राइमरी। देखिए सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, परफेक्टली इनका कलर आपको प्राइमरी दिखाई दे रहा है आइकन्स का। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए ये काफी चिपके हुए हैं तो हमें इनमें मार्जिन ऐड कर देना है। टॉप और बॉटम से तो कुछ भी नहीं, लेफ्ट और राइट से चलिए 5 पिक्सल देके देख लेते हैं। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो परफेक्टली इनके बीच में 5 पिक्सल का आपको गैप दिखाई दे रहा है। देखिए हमने हमारी नेविगेशन तो क्रिएट कर ली, लेकिन अब हमें हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करनी है जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए अगेन आना है हमें HTML वाली फाइल के अंदर। अब देखिए जहाँ पे हमने ये टॉयज वाली लिस्ट आइटम क्रिएट करी है, ये देखें इस लिस्ट आइटम के अंदर, टॉयज वाली लिस्ट आइटम के अंदर अगेन एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है और उसके अंदर लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेते हैं और लिस्ट आइटम हमारी लिंक्स होनी चाहिए तो एंकर टैग लगाते हैं। अब देखिए अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो आइकन्स हैं वो भी लगा देनी है, तो आई टैग से आइकन लगाते हैं और क्लास सेट कर देंगे। देखिए सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं अपनी वाली फाइल को रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पे आपको वुडन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, सेम एज इट इज और लिस्ट आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमने प्लास्टिक और आयरन वाला भी क्रिएट कर लिया है लिस्ट आइटम। अब इसको करते हैं सेव, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमारी जो मेन्यूज है वो इस तरीके से क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन ये काफी ऊपर दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो लिस्ट आइटम है उसके अंदर पोजीशन सेट करनी पड़ेगी रिलेटिव। तो आते हैं यहाँ पे और जहाँ पे हमने ये लिस्ट आइटम क्रिएट किया था इसके अंदर हमें सेट कर देनी है पोजीशन रिलेटिव और इसको हम जेड इंडेक्स दे देते हैं यहाँ पे 99 ताकि ये ऑलवेज टॉप पे ही रहे। सेव करते हैं, अभी कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखाई देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसको भी स्टाइल करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, जो आपकी नेविगेशन 3 है उसके अंदर जो UL टैग है उसके अंदर जो दूसरा वाला UL टैग है उसको हमें स्टाइल करना है। तो देखिए स्टाइल कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें क्या कर देना है, पोजीशन सेट कर देनी है उसकी एब्सोल्यूट। अब उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, टॉप से उसको मार्जिन दे देना है 70 पिक्सल का।
सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखे परफेक्टली नीचे हमें दिखाई दे रही है। लेफ्ट से इसको मार्जिन सेट कर देंगे 0, ताकि गैप बिल्कुल भी ना रहे। आपकी सेकेंड अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो लिस्ट आइटम है उसका बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है। सो बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे हम उसका वाइट, एंड एंड देन देखिए जो बॉर्डर बॉटम है, ठीक है, बॉर्डर बॉटम हम यहाँ पे लगाएंगे 1 पिक्सल सॉलिड, और कलर सेट कर देंगे प्राइमरी। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए परफेक्टली आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाई दे रही है। एक बात देखिए, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो हमें दिखाई कब देनी चाहिए, जब हम हमारी इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके ऊपर करते हैं होवर, तो आपकी जो आगे अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमें शो होनी चाहिए, अदरवाइज हमें दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो क्या करेंगे, एडिटर में आते हैं, यहाँ पे जो सेकंड वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर कर देंगे डिस्प्ले एज ए नन, ताकि हाइड हो जाए। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, सो ये देखिए हाइड हो चुकी है। जो आपकी नेव 3 क्लास है उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जो लिस्ट आइटम है, जब उस पर करेंगे हम होवर, तो होना क्या चाहिए, इसके आगे जो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो क्या हो जाए, डिस्प्ले एज ए ब्लॉक। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, अब देखिए जैसे ही करेंगे होवर, ये हमारी लिस्ट आइटम हमें दिखाई दे रही है, जैसे ही माउस हटाएंगे वो गायब हो चुकी है। सो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू भी क्रिएट कर ली है। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट क्रिएट करते हैं हमारा ये फीचर्ड सेक्शन। तो चलिए आते हैं अपने एडिटर में, इसी को कर लेते हैं कॉपी, एंड देन नीचे करते हैं पेस्ट, और स्टार्ट की जगह कर देंगे एंड। अब देखिए इसी के बीच में हमें फीचर्ड वाला सेक्शन क्रिएट कर लेना है। सो देखिए यहाँ पे हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, और सेक्शन की जो क्लास है उसको हम सेट कर देंगे फीचर्ड। अब इसके अंदर हमें एक डिव क्रिएट कर लेना है, और इस डिव की क्लास सेट कर देंगे हम यहाँ पे फीचर्ड टेक्स्ट, और इसके अंदर हमारा जो फीचर्ड टेक्स्ट है उसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बटन है और एक हमारी हेडिंग है, तो इतना हमने क्रिएट कर लिया है। सेव करते हैं, अब आते हैं अपनी CSS वाली फाइल पे और करते हैं इसको स्टाइल। सबसे पहले हमें किसको स्टाइल करना है, जो हमारी क्लास है फीचर्ड, विड्थ सेट कर देनी है 100% की, एंड देन देखिए जो इसकी हाइट है उसको हम सेट कर देंगे 60 VH। इस बार हम 100 VH नहीं कर रहे हैं गाइज, देखिए। अब यहाँ पे हमें सेट कर देना है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में हमें इमेज लगा देनी है, इमेज लगाएंगे URL से, इमेज पड़ी है img फोल्डर के अंदर, और इमेज का नेम है g1.jpg। अब इसको हमें बैकग्राउंड में कंप्लीट करना है, तो क्या कर देंगे, बैकग्राउंड साइज इसकी सेट कर देंगे कवर, बैकग्राउंड पोजीशन भी सेट कर देते हैं, तो बैकग्राउंड पोजीशन हम यहाँ पे इसकी सेट कर देते हैं, यहाँ पे देखिए टॉप से चाहिए, तो बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर देंगे इसकी टॉप, साथ में इसकी पोजीशन सेट करेंगे रिलेटिव। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, सो ये देखें यहाँ पे आपकी इमेज और आपकी हेडिंग एंड बटन यहाँ पे आ चुका है। दोनों इमेजेस में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा गाइज, एक तो हमारी ये वाली इमेज है और एक ये वाली इमेज है। सो इस इमेज पे हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, और सेम एज इट इज ऐसा लुक क्रिएट कर लेना है। तो चलिए आते हैं एडिटर में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें लीनियर ग्रेडियंट का यूज करना है, और लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमें ब्लैक कलर का कोड अप्लाई करना है। तो देखिए ब्लैक कलर का कोड हम लिखते हैं RGBA के अंदर 0,0,0, एंड इसके अल्फा वैल्यू सेट करके देखते हैं 0.8, कॉमा लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें करना है व्हाइट कलर, तो RGBA के अंदर व्हाइट कलर का कोड सेट कर देते हैं 255, 255, 255, और इसके अल्फा वैल्यू सेट कर देंगे 0.2, और इसके आगे कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे देखिए मैं इसको नीचे सेट कर देता हूँ, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए अपनी वाली फाइल पे आपको कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी परफेक्टली नहीं है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पे लेफ्ट सेट कर देते हैं, चलिए राइट सेट करते हैं टू राइट, कॉमा लगाते हैं, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, अभी भी कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, वो है परसेंटेज में वैल्यू, तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा इसको 20% तक। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए परफेक्टली इस बार आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिखाई देने लग गया। जो हमारा टेक्स्ट और बटन है इसको हमें स्टाइल करना है, तो चलिए आते हैं एडिटर में, यहाँ पे देखिए अब हमें सेट करना है फीचर टेक्स्ट वाले डिव को, तो यहाँ पे हमें सेट कर देना है देखिए फीचर
जो टेक्स्ट वाला अपना div है, सबसे पहले उसको स्टाइल करते हैं। इसकी विड्थ सेट कर देंगे हम यहाँ पे, चलिए विड्थ नहीं मैक्स विड्थ सेट करते हैं इसकी 500 पिक्सल की। एंड देन देखिए इसके अंदर इसकी जो पोजीशन है वो सेट करेंगे हम एब्सोल्यूट। एंड देन ये कहाँ पे चाहिए हमें, ये चाहिए हमें टॉप से 50% के मार्जिन पे। एंड साथ में ही ये लेफ्ट से हमें चाहिए 10% के मार्जिन पे। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, हमारी हेडिंग इसके नीचे है, अभी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि कलर हमने यहाँ पे सेट नहीं किया है। कलर सेट कर देंगे हम यहाँ पे वाइट। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो देखिए आपकी हेडिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी और हमें स्टाइल करना है, स्टाइल क्या करना है देखिए, सबसे पहला काम हमें टेक्स्ट अलाइन कर देना है इसको। इसमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देंगे 10 पिक्सल की। जो फॉन्ट साइज है उसको हम सेट कर देंगे 2 रैम की। एंड साथ में ही लेटर स्पेसिंग ऐड कर देंगे इसके अंदर 5 पिक्सल की। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। अपने यहाँ पे देखिए जो फॉन्ट फैमिली है उसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो फॉन्ट फैमिली हमने रूट के अंदर कमेंट कर दिया था, तो इस बार क्या करेंगे, यहाँ से इसको अनकमेंट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे इसको कट। और जो अपना मेन है ये फीचर टेक्स्ट वाला सेक्शन, इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए ऑटोमेटिक इसकी फॉन्ट स्टाइल आपको चेंज होके दिखाई दे रही है। अब जो अपना बटन है इसको हमें स्टाइल करना है, तो देखिए बटन को कैसे स्टाइल करते हैं। फीचर टेक्स्ट के अंदर जो आपका बटन टैग है उसको हमें स्टाइल करना है। सबसे पहले हमें क्या कर देना है, इसमें सेट कर देनी है टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की। साथ में इसके अंदर बॉर्डर हमें सेट कर देनी है नन, और उसके बाद में जो आउटलाइन होती है उसको भी हमें सेट कर देना है नन। बैकग्राउंड कलर है उसको हमें सेट कर देना है प्राइमरी। एंड उसके बाद में जो मार्जिन है उसको हम सेट कर देंगे टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल का, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। साथ में जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम सेट कर देंगे वाइट। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए परफेक्टली इतना सेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हमें प्राइमरी की जगह कलर सेट करना है सेकेंडरी। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए परफेक्टली आपको यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अपना जो हेडर सेक्शन है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं अपना नीचे वाला सेक्शन न्यू अराइवल्स का। सो चलिए आते अपने एडिटर में और क्रिएट कर लेते हैं अनदर सेक्शन। तो HTML वाली फाइल में आ जाना है हमें, फिर जहाँ पे फीचर सेक्शन एंड हो रहा है इसके बाद में एक सेक्शन और स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए इसको नेम दे देते हैं लेटेस्ट, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। लेटेस्ट सेक्शन स्टार्ट कर देते हैं और इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद में कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे भाई हम इसको एंड कर रहे हैं। इसके बीच में हमें पूरा सेक्शन क्रिएट कर लेना है, तो यहाँ पे एक सेक्शन बना देते हैं। चलिए क्लास दे देते हैं यहाँ पे लेटेस्ट। और देखिए एक चीज हमने यहाँ पे मिस कर दी, यहाँ पे देखिए ये जो सेक्शन है हमें हेडर के बाद में क्रिएट करना है, तो इस सेक्शन को यहाँ से हम कर लेते हैं कट और हेडर के बाद में कर लेते हैं पेस्ट। अब देखिए जो लेटेस्ट वाला सेक्शन है अपना, इस सेक्शन के अंदर हमें एक डिव क्रिएट करना है और इस डिव की क्लास सेट कर देंगे हम यहाँ पे प्रोडक्ट इंट्रो, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे सबका इंट्रो हम इसके अंदर लिखेंगे। एक हेडिंग एंड पैराग्राफ, आते हैं ब्राउजर पे और अपनी वाली फाइल पे आ जाते हैं। तो देखिए नीचे हमारी हेडिंग एंड पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है, तो चलिए करते हैं अब इसको स्टाइल, आते हैं CSS वाली फाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पैडिंग ऐड कर देनी है, तो चलिए पैडिंग ऐड कर देंगे टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 100 पिक्सल। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए यहाँ पे हमारी हेडिंग आ चुकी है। अब देन देखिए हमें क्या करना है, अब जो हमारा प्रोडक्ट इंट्रो है उसको स्टाइल करते हैं। देखिए जो क्लास हमने सेट करी है प्रोडक्ट इंट्रो उसको स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल क्या करना है, सबसे पहले इसका जो कलर है वो हमें सेट कर देना है प्राइमरी। अब हमें यहाँ पे लेटर स्पेसिंग ऐड कर देनी है 0.2 रैम की इसके अंदर, ताकि गैप मिल जाए। और फॉन्ट साइज है उसको हम सेट कर देंगे 2 रैम की। एंड देन देखिए जो फॉन्ट वेट है उसको हम कर देंगे बोल्डर। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, और ये देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको बोल्ड और डार्क दिखाई दे रहा है। अब हमें इसको थोड़ा
स्टाइल करना है। सो गाइज यहाँ पे हमने जो स्टाइलिंग अप्लाई करी है वो सब पे अप्लाई हो रही है, तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, इसके अंदर जो H1 है उसके ऊपर हमें ये वाली स्टाइल अप्लाई कर देनी है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए परफेक्टली ओनली H1 के ऊपर ही स्टाइलिंग अप्लाई हुई है। अब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट इंट्रो है, देखिए जो हमारी क्लास है प्रोडक्ट इंट्रो, जस्ट इसको हमें कर देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए परफेक्टली सेंटर में आ चुका है। अब देखिए जो आपका पी टैग है H1 के बाद में उसको स्टाइल करेंगे। उससे पहले जो प्रोडक्ट इंट्रो के अंदर जो H1 है उसके अंदर जो आपका स्पेन टैग है पहले उसको स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ, H1 के अंदर जो हमारा ये स्पेन टैग है इसको हमें स्टाइल कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको स्टाइल करते हैं। स्टाइल क्या करना है, बस हमें इसका कलर सेट है सेकेंडरी। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हमने इतना क्रिएट कर लिया। अब जो आपका पैराग्राफ है थोड़ा सा उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए आते हैं एडिटर में, यहाँ पे देखिए जो क्लास है हमारी प्रोडक्ट इंट्रो, इसके अंदर जो पैराग्राफ है सबसे पहले उसका जो कलर है उसको हमें सेट कर देना है ग्रे। मार्जिन है उसको हमें सेट कर देना है टॉप और बॉटम से 15 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए परफेक्टली आपको यहाँ पे गैप भी मिल चुका है। सो प्रोडक्ट इंट्रो हमने सेट कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं अपने ये कार्ड्स। तो चलिए कार्ड को क्रिएट कर लेते हैं, आते हैं HTML वाली फाइल में, अगेन एक डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव की क्लास सेट कर देंगे हम यहाँ पे कार्ड, और इसके अंदर कार्ड क्रिएट करते हैं। तो कार्ड के अंदर हमें लगानी है इमेज, तो इमेज के लिए अगेन एक डिव क्रिएट करते हैं और इमेज लगा देते हैं। यहाँ पे हमें एक हेडिंग क्रिएट करनी है, एक बटन क्रिएट करना है और एक पैराग्राफ क्रिएट करना है, साथ में कुछ आइकन्स क्रिएट करने हैं। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक हेडिंग क्रिएट करी है, स्पेन टैग के अंदर हमने स्टार वाले आइकन लगाए हैं और नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है और एक बटन टैग लगाया है हमारा एड टू कार्ट वाला बटन। तो ये हमने एक कार्ड क्रिएट किया है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और अपनी वाली फाइल पे आ जाते हैं। तो देखिए नीचे आपको ये शूज दिखाई दे रहा है, साथ में जो कार्ड का नेम है वो दिखाई दे रहा है, आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं और जो पैराग्राफ एंड बटन है वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक हमने कार्ड क्रिएट कर लिया सेम एज इट इज, 3 कार्ड और क्रिएट कर लेते हैं। इसी कार्ड को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी एंड देन करते हैं पेस्ट, तो ये हो गया सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। सेव करते हैं, अब आते हैं ब्राउजर पे और करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब इमेजेस कर लेते हैं चेंज, सेव करते हैं, अगेन आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए फर्स्ट इमेज है, सेकेंड इमेज और ये हमारी थर्ड वाली इमेज। तो इमेजेस हमने चेंज कर लिया है, अभी हमें इनको करना है। देखिए तो स्टाइल कैसे करेंगे, CSS वाली फाइल में आते हैं। सबसे पहले हमारा जो कार्ड है, देखिए यहाँ पे जो अपना कार्ड है, यहाँ पे हमने जितने भी कार्ड्स क्रिएट किए हैं उनको एक कंटेनर में ले लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे हमने ये कार्ड वाला डिव क्रिएट किया है इसके ऊपर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और चलिए उसकी क्लास सेट कर देंगे यहाँ पे कार्ड कंटेनर, और कंटेनर को एंड करेंगे सबसे लास्ट में, जहाँ पे हमने कार्ड कंप्लीट किए हैं उस जगह पे हम कंटेनर को क्लोज कर देंगे इस डिव के बाद में। तो सारे कार्ड्स हैं वो कार्ड कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। CSS वाली फाइल में आते हैं और सबसे पहले जो कार्ड कंटेनर हमने क्लास दिया है उसको स्टाइल करते हैं। देखिए स्टाइल क्या करना है, हमें इसकी वेट सेट कर देनी है यहाँ पे कार्ड कंटेनर में 100%, एंड देन देखिए जो डिस्प्ले है उसको करेंगे फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे स्पेस बिटवीन, और साथ में अलाइन आइटम्स कर देंगे हम सेंटर। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है लेकिन अभी भी परफेक्टली नहीं है। तो क्या करेंगे, जो आपके कार्ड कंटेनर के अंदर जो आपके कार्ड हैं, ठीक है, जो आपकी क्लास है कार्ड, उसका हमें फ्लैक्स बेसिस सेट कर देना है। तो फ्लैक्स बेसिस हम सेट कर देंगे सबका 20% का, ये वेरिएबल कहाँ से आ गया, 20% सेव कर देते हैं। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, करते हैं रिफ्रेश, अभी भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ी है। तो क्या करेंगे, देखिए जो आपका कार्ड है उसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, उस इमेज की हमें वेट सेट कर देनी है 100%। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए मैजिक ऑटोमेटिक हमने इतना सेट कर लिया। चलिए कार्ड कंटेनर में थोड़ा मार्जिन ऐड कर देते हैं, टॉप से काफ़ी चिपका हुआ है। तो साथ में क्या करेंगे, जो कार्ड कंटेनर है इसके अंदर हमें आ जाना है
आने के बाद में सबसे पहले तो इसका जो कर्सर है उसको हम सेट कर देंगे पॉइंटर, एंड देन देखिए इसमें मार्जिन ऐड कर देंगे थोड़ा सा, टॉप और बॉटम से कर देंगे 4 रैम का, एंड लेफ्ट और राइट से कर देंगे 0। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। तो देखिए यहाँ पे हमें गैप मिल चुका है थोड़ा, जो अपने कार्ड्स हैं उनके अंदर थोड़ी पैडिंग ऐड कर देते हैं। तो जहाँ पे हमने ये कार्ड क्रिएट किया है, देखिए ये रहा जहाँ पे हमने फ्लैक्स बेसिस दिए है, इसके अंदर पैडिंग ऐड करते हैं। तो देखिए पैडिंग कितनी देंगे इसके अंदर, हम देंगे 0.8 रैम की पैडिंग। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। तो ये देखिए परफेक्टली इनके अंदर हमें पैडिंग भी मिल चुकी है। अब जो आपके कार्ड हैं देखिए उनके अंदर हमें सेट करनी है पोजीशन रिलेटिव। क्यों करनी है, क्योंकि आगे देखिए आपको पता चलेगा। अब उसके पहले हमें क्या करना है, कार्ड के अंदर जो आपकी आई टैग है यानी जो हमारे आइकन्स हैं उनको हमें स्टाइल करना है। कलर क्या कर देना है, हमें कलर कर देना है इसका गोल्डन रोड। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टार का कलर चेंज हो गया। अब ये काफी चिपके हुए हैं टॉप और बॉटम से, तो मार्जिन सेट कर देंगे टॉप और बॉटम से कर देते हैं चलिए 10 पिक्सल का, लेफ्ट और राइट से कर देंगे 0। सेव, एंड ये देखिए ऑटोमेटिक इतना गैप मिल चुका है स्टार के बीच में। के अंदर जो हमारा बटन टैग है उसको हमें स्टाइल करना है। स्टाइल क्या करना होता है गाइस, देखिए सबसे पहले इसका जो कलर है वो सेट कर देंगे हम वाइट, और जो बैकग्राउंड है उसको हम सेट कर देंगे सेकेंडरी। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए इतना सेट हो गया, और बॉर्डर और आउटलाइन है उसको नन कर देते हैं। मार्जिन टॉप है उसको हम दे देंगे 15 पिक्सल का, ताकि चिपका हुआ ना रहे। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए अभी परफेक्टली कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें पैडिंग ऐड करनी है। तो चलिए पैडिंग ऐड कर देते हैं इसमें, कि लेफ्ट टू राइट से कर देंगे 20 पिक्सल की पैडिंग। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए परफेक्टली हमारा बटन बन के रेडी हो चुका है। तो हमने यहाँ पे कार्ड कंटेनर क्रिएट किया है सेम एज इट इज, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं। देखिए ये कंप्लीट जो कंटेनर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, इस कंप्लीट कंटेनर को यहाँ से कॉपी करते हैं। देखिए जहाँ पे कंटेनर स्टार्ट हो रहा है वहां से लेके ये देखिए कार्ड कंटेनर कंप्लीट कर लेते हैं हम। कार्ड कंटेनर को कॉपी, नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे इस सेक्शन के पास में कर लेते हैं अगेन पेस्ट। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा सेकंड वाला सेक्शन भी क्रिएट हो चुका है। अब चलिए जो अपने कार्ड्स हैं उन पे क्रिएट करते हैं होवर इफेक्ट, जैसा कि आपको इस वेबसाइट के अंदर दिखाया गया है। तो ये सेम इफेक्ट हमें अपनी वाली में भी क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले जो अपना कार्ड है उसके ऊपर जब होगा होवर तो होना क्या चाहिए, जो हमारी इमेज है उस पर इफेक्ट होना चाहिए। दूसरा एक इफेक्ट और एड कर देते हैं, जब कार्ड पे होता है होवर तो होना क्या चाहिए, जो आपका H1 है। इन दोनों का होवर इफेक्ट हम साथ में क्रिएट कर देते हैं। तो देखिए जब इमेज के ऊपर होवर होता है तो इमेज की विड्थ हो जाए कितनी 80% की, एंड देन जो कलर है वो हो जाए आपका प्राइमरी। इतना हमने सेव सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए हमें क्या करना है, जो इमेज है उसके ऊपर ट्रांजिशन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड का इस इन आउट। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और अपनी वाली फाइल पे आ जाते हैं। तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमने हमारा होवर इफेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या क्रिएट करना है, देखिए हमें क्रिएट करना है ये 20% ऑफ वाला। तो देखिए इसको कैसे क्रिएट करते हैं, जो अपना कार्ड है उसके ऊपर अपन क्रिएट करेंगे बिफोर। अब देखिए जब बिफोर क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कंटेंट, और कंटेंट को छोड़ देंगे ब्लैंक। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए विड सेट कर देनी है हमें 25% की, और कंटेंट के अंदर भी हमें कुछ लिखना है। कंटेंट के अंदर हमें लिख देना है 20% ऑफ, हाइट विड सेट कर देते हैं 25 पिक्सल की, और साथ में ही हम यहाँ पे जो लाइन हाइट है उसको भी सेट कर देंगे, ताकि जो भी टेक्स्ट हो वो वर्टिकली सेंटर में, और जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम सेट कर देंगे व्हाइट। इसकी पोजीशन सेट करेंगे हम एब्सोल्यूट। अब ये हमें कहाँ पे चाहिए, टॉप से 0 पोजीशन पे चाहिए, और सेम एज इट इज हमें लेफ्ट से भी 0 पोजीशन पे चाहिए। और उसके साथ में देखिए इसके अंदर हमें लगाना है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब नेक्स्ट और क्या करेंगे, इसके अंदर हम दे देंगे पैडिंग, तो पैडिंग भी ऐड कर देते हैं टॉप और बॉटम से, तो कुछ भी नहीं लेफ्ट और राइट से कर देंगे 4 पिक्सल की, और साथ में ही जो इसका ट्रांसफॉर्म है वो कर देंगे
रोटेट और कितना माइनस 20 डिग्री का। तो ये हमने बिफोर को स्टाइल किया है, सेव करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी वाली फाइल के ऊपर भी हमने ये 20% ऑफ वाला क्रिएट कर लिया है कार्ड के ऊपर बिफोर क्रिएट करके। नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करते हैं अपना ये वाला पॉपुलर प्रोडक्ट्स का। तो सिंपल है पॉपुलर प्रोडक्ट्स का सेक्शन क्रिएट करना। यहाँ पे आ जाते हैं और चलिए लिख देते हैं यहाँ पे अनदर एक कमेंट और सेम एज इट इज क्या कर लेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे करते हैं पेस्ट, स्टार्ट की जगह कर देंगे एंड और इसके अंदर हो जाएगा अपना पॉपुलर पोस्ट का सेक्शन। तो देखिए हमें अलग से सेक्शन क्रिएट करने की जरूरी नहीं है, हम क्या करेंगे इसी सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। जहाँ पे देखिए कार्ड कंटेनर स्टार्ट हो रहा है तो मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है, इसी को करते हैं कॉपी। नीचे आते हैं और देखिए यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इस सेक्शन की जो क्लास है उसको सेट कर देंगे हम लेटेस्ट, जो कि हमने ऊपर सेट करी हुई थी। अब इसके अंदर कर लेते हैं पेस्ट। देखिए नीचे सेक्शन दो क्लोज हो रहे हैं तो एक को हम डिलीट कर देते हैं, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, अपनी वाली फाइल पे आ जाते हैं। देखिए नीचे आपके पास एक सेक्शन और आ चुका है, ये अपना लेटेस्ट वाला। तो देखिए अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगेन टॉप पे आ जाना है इसके अंदर जहाँ पे हमने ये सेक्शन क्रिएट किया है। ये देखिए यहाँ पे पहले हमें वो प्रोडक्ट इंट्रो क्रिएट करना है। तो ऊपर देखिए हमने जहाँ पे प्रोडक्ट इंट्रो बनाया है उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो डिव आपका प्रोडक्ट इंट्रो वाला, इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। नीचे आ जाते हैं पॉपुलर प्रोडक्ट वाले सेक्शन के अंदर कर लेते हैं पेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हमें लिखना क्या है, न्यू अराइवल्स की जगह हमें लिख देना है पॉपुलर और अराइवल्स की जगह लिख देना है प्रोडक्ट्स। अब देखिए करते हैं इसको सेव, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, बस इन इमेजेस को चेंज कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं चेंज। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली इमेज थी S2 की, इसकी जगह हमें कर देना है BU1। नेक्स्ट देखिए जो सेकंड वाली है इसके अंदर हमें कर देना है BU2, BU4। अब देखिए करते हैं इसको सेव, तो ये देखिए ऑटोमेटिक हमने यहाँ पे हमारा पॉपुलर प्रोडक्ट वाला सेक्शन भी क्रिएट कर लिया है ना कुछ ज्यादा कोड को किए। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है अपना ये 3D स्लाइडर और इस सेक्शन को यहाँ पे चलिए क्लास दे देंगे ट्रेंड्स। तो चलिए इस ट्रेंड्स वाले डिव के अंदर सबसे पहले हमें सेम काम करना है, क्या करना है हमें प्रोडक्ट इंट्रो क्रिएट कर लेना है। तो प्रोडक्ट इंट्रो के अंदर हमें लिख देना है, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और अपनी वाली फाइल पे आ जाते हैं। टॉप ट्रेंड्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अब टॉप ट्रेंड्स के बाद में हमें एक स्लाइडर क्रिएट करना है, उसके पहले टॉप ट्रेंड्स को थोड़ा स्टाइल कर लेना है। तो जिसकी क्लास हमने सेट करी है ट्रेंड्स, तो स्टाइल करते हैं। स्टाइल क्या करेंगे, देखिए हमें थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देनी है इसके अंदर 100 पिक्सल की एंड देन देखिए इसके अंदर हमें एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देना है। तो चलिए बैकग्राउंड कलर लगाएंगे हम RGBA के अंदर और कलर का कोड हम यहाँ पे सेट कर देंगे, देखिए 0.0.0 एंड इसके अल्फा वैल्यू सेट कर देंगे 0.01। आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए यहाँ पे आपको एक लाइट व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद में हमें स्लाइडर क्रिएट करना है, तो स्लाइडर क्रिएट करने के लिए हमें आना पड़ेगा गूगल के अंदर और सर्च करना है यहाँ पे swiper.js। ये जब सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये swiper.js की आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आने के बाद में गेट स्टार्टेड पे हमें क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद में हमें इसको स्क्रॉल करना है और नीचे देखें यहाँ पे यूज स्वाइपर फ्रॉम CDN, ये जो फर्स्ट वाली लिंक है इसको हमें कॉपी कर लेना है, एडिटर में आना है और HTML वाली फाइल में हेड सेक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर लेना है। अगेन हमें ब्राउजर पे आना है और जो ये सेकंड वाली लिंक है इसको भी हमें कॉपी कर लेना है और एडिटर में आने के बाद में सबसे लास्ट में नीचे बॉडी टैग के पास में कर लेना है हमें पेस्ट। तो यहाँ पे हमने दोनों स्क्रिप्ट को पेस्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए अगेन टॉप पे आना है और यहाँ आने के बाद में डेमोज पे क्लिक कर देना है। डेमोज पे आने के बाद में हमें करना है इसको स्क्रॉल और देखें नीचे यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिखाई देगा इफेक्ट कवर फ्लो, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद में ये देखिए डेमो बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, जस्ट कोर पे क्लिक कर देना है
कोर पे क्लिक करते ही आपकी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए जो स्वाइपर कंटेनर वाला डिव है ये यहाँ से इसकी स्टाइलिंग को कॉपी कर लेना है और यहाँ तक हमें कर लेना है कंप्लीट। तो इसको करते हैं कॉपी, एडिटर में आते हैं, सीएसएस वाली फाइल में ट्रेंड्स के बाद में कर लेते हैं पेस्ट, सेव करते हैं, अगेन आते हैं इसी वेबसाइट पे। अब देखिए हमें क्या करना है, जो एचटीएमएल वाला कोड है ये भी हमें कितना कॉपी करना है, देखें जो फर्स्ट वाला डिव है स्वाइपर स्लाइड का इसी को करते हैं कॉपी, एडिटर में आते हैं। एचटीएमएल वाली फाइल में आने के बाद में जो अपना ये सेक्शन है इस सेक्शन के अंदर कर लेना है हमें पेस्ट, में अगेन आना है इसी वेबसाइट पे। अब नीचे आ जाना है एकदम, अब नीचे आने के बाद में देखिए हमें क्या करना है, ये जो डिव है स्वाइपर पेजिनेशन इसको भी कंप्लीट कॉपी कर लेना है, एडिटर में आना है और इस डिव के बाद में कर लेना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, अगेन आना है ब्राउजर पे और ये जो आपका स्क्रिप्ट है कंप्लीट स्क्रिप्ट को कर लेना है कॉपी, अगेन एडिटर में आते हैं पेस्ट। तो ये कंप्लीट स्क्रिप्ट हमने पेस्ट कर ली, सेव करते हैं। अब देखिए अगेन हमें ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद में देखिए जहां पे हमने ये स्वाइपर स्लाइड का डिव क्रिएट किया था एक, इसके अंदर जो इमेज है इसको हमें डिलीट कर देना है और यहाँ पे हमें अपनी इमेज लगानी है। तो इमेज पड़ी हमारी आईएमजी फोल्डर के अंदर, नेम है उसका हेडफोन फर्स्ट। तो ये हमने एक स्वाइपर स्लाइड क्रिएट कर ली है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और देन करते हैं पेस्ट। तो सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो देखिए हेडफोन फर्स्ट, इसको कर देंगे हेडफोन सेकंड, इसको कर देंगे हेडफोन थर्ड और ये अगेन हेडफोन फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और अपनी वाली फाइल पे आ जाते हैं। तो चलिए करते हैं इसको स्क्रॉल, देखते हैं क्या क्रिएट हुआ है। आपकी इमेज काफी बड़ी आ रही है तो इसको हमें स्टाइल करना पड़ेगा। देखिए स्टाइल हमने कहाँ पे मिस्टेक करी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एक सेक्शन लिया है ट्रेंड्स, इसके अंदर आपका ये स्वाइपर कंटेनर वाला डिव है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीएसएस वाली फाइल में आ जाना है और जहां जहां पे हमने स्वाइपर वाला कोड किया है उन सबके पहले हमें क्या लिख देना है, हमें लिखना पड़ेगा जो क्लास है आपकी ट्रेंड्स उसके अंदर ही तो है ये, सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमें कर देना है। जो आपकी क्लास है ट्रेंड्स उसके अंदर ये स्वाइपर स्लाइड है, नीचे भी हमें क्या लिख देना है, जो आपकी क्लास है ट्रेंड्स उसके अंदर ही ये सब है, इसको भी हमें एज इट इज लिख देना है। अब करते हैं इसको सेव, आते हैं ब्राउजर पे। तो ये देखिए अभी आपको कुछ ये ऐसे दिखाई दे रहा है लेकिन परफेक्टली अभी भी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसकी जो हाइट और विड्थ है इसको हमें चेंज कर देना है 400 से। तो जो इमेज वाले डिव की हाइट और विड्थ है उसको 400 कर देते हैं, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, लेकिन परफेक्टली अभी भी नहीं है। अब हमें स्क्रिप्ट वाली कोड में आ जाना है जहाँ पे हमने इसकी स्क्रिप्ट क्रिएट करी है। देखिए सबसे पहले तो ये स्लाइड शेडो लिखा हुआ है इसको हमें फॉल्स कर देना है। तो जैसे ही स्लाइड शेडो फॉल्स करेंगे तो ये देखें इनके पीछे से शेडो रिमूव हो चुकी है। अभी देखें नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके अंदर जो डेप्थ है इस डेप्थ को हमें बढ़ा देना है 1200, ठीक है। तो डेप्थ हमने 1200 कर दिया, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। तो ये देखें अभी आपको कुछ ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, इसको फुल स्क्रीन व्यू में ओपन कर देते हैं। अभी भी परफेक्टली नहीं है, अभी भी मिस्टेक है। देखिए क्या मिस्टेक है, अगेन आते हैं सीएसएस वाले कोड में और यहाँ पे जो पैडिंग टॉप और बॉटम दी हुई है ठीक है, इसको कर देंगे यहाँ से हम दोनों को रिमूव, अपने अकॉर्डिंग पैडिंग ऐड करेंगे 50 पिक्सल की, सेव करते हैं। तो ये देखिए अभी हमें कुछ ये इस तरीके से दिखाई देने लग गया। इसकी हाइट काफी ज्यादा है तो हमें सेट करनी पड़ेगी इमेज की हाइट। यहाँ पे देखिए स्लाइडर के अंदर जो इमेज है इसकी विड्थ सेट की हुई है लेकिन हाइट सेट नहीं की हुई है, तो हाइट सेट कर देंगे 100% की, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। तो ये देखिए परफेक्टली हमारा 3D स्लाइडर भी बन के रेडी हो चुका है। ये ऑटोमेटिक भी स्लाइड होता है और हम अपन ऐसे भी इसको स्लाइड कर सकते हैं। चलिए अब क्रिएट करते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है अपना ये फुटर सेक्शन। तो इसके अंदर देखिए हमें कितने डिव लेने हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यहाँ पे हमें 3 डिव लेने हैं। तो चलिए आते हैं अपने एडिटर के अंदर और HTML वाली फाइल में आ जाने के बाद में देखें जहाँ पे ये सेक्शन एंड हो रहा है यहाँ पे जस्ट इस सेक्शन के नीचे हमें क्रिएट कर लेना है हमें फुटर सेक्शन। तो लगा देते हैं फुटर टैग और क्रिएट कर लेते हैं अपना सेक्शन। अब इसके अंदर हमें 3 डिव चाहिए, देखिए फर्स्ट वाला डिव और इसके बाद में एक सेकेंड वाला डिव और एक चाहिए हमें थर्ड वाला डिव। तो 3 डिव हमें
यहाँ पे चाहिए। अब जो फर्स्ट वाला डिवाइस के अंदर हमें क्या क्रिएट करना है, अपना देखिए लोगो क्रिएट करना है, लोगो क्रिएट करते हैं देखिए। और सेकंड वाले डिव के अंदर हमें अपना ये आइकन्स और नेम क्रिएट करना है। यहाँ पे हमने सेकंड वाले डिव का काम भी कंप्लीट कर लिया। अब जो अपना थर्ड वाला डिव है उसमें एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं कॉपीराइट का, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे और देखते हैं इसका आउटपुट। तो आते हैं अपनी वाली फाइल पे और ये देखिए नीचे आपका सारा HTML का वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसको हमें स्टाइल करना है, तो आते हैं अपने एडिटर में और CSS वाली फाइल में आने के बाद में सबसे पहले हमें स्टाइल करना है अपने फूटर टैग को। तो चलिए फूटर टैग को स्टाइल कर लेते हैं। स्टाइल क्या करना है देखिए, सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड सेट कर देना है। तो बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देंगे इस बार सेकेंडरी, और जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम सेट करेंगे वाइट ताकि क्लियरली दिखाई दे जाए। एंड देन देखिए इसके अंदर लगाएंगे फ्लेक्स बॉक्स, तो डिस्प्ले और जस्टिफाई कंटेंट दे देंगे इसको हम स्पेस अराउंड, और अलाइन आइटम्स कर देंगे हम सेंटर। इतना हमने सेट कर लिया। अब देखिए फ्लेक्स रैप इसके अंदर हमें कर देना है रैप, और साथ में ही जो टेक्स्ट अलाइन है उसको कर देंगे हम सेंटर। अब देखिए फूटर के अंदर जो आपके डिव्स हैं उन सबका फ्लेक्स बेसिस भी हमें सेट करना है, तो इन सबका फ्लेक्स बेसिस हम सेट कर देंगे 30%, क्योंकि तीन डिव है अपने, तो तीनों को 30-30% मिल जाए। सेव करते हैं, पैडिंग लगा देते हैं 2 रैम की, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। अभी इतना सेट हो चुका है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या करना है, जो आपका H1 है फूटर के अंदर, जो आपका H1 टैग है उसके अंदर हम ऐड करेंगे लेटर स्पेसिंग 0.5 रैम की। के अंदर जो H1 है उसके अंदर जो स्पेन टैग है उसका हमें कलर चेंज करना है। इसका जो कलर है वो हम सेट कर देंगे प्राइमरी, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। हमें इस पैराग्राफ को सेट कर देना है, तो देखिए पैराग्राफ को कैसे सेट करते हैं। फूटर के अंदर जो पी टैग है सबसे पहले हमें क्या कर देना है, इसकी फॉन्ट साइज सेट कर देनी है 1 रैम की। फूटर के अंदर जो आई टैग है हमें इनके अंदर बस मार्जिन ऐड कर देना है, टॉप और बॉटम से कुछ भी नहीं, लेफ्ट और राइट से कर देंगे 5 पिक्सल। इतना हमने इसको सेट कर दिया है, सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे। ये देखिए ऑटोमेटिक हमने अपना फूटर सेक्शन भी क्रिएट कर लिया है। तो ये देखिए गाइस ये कंप्लीट वेबसाइट हमने क्रिएट कर ली है। अब हम वर्क करेंगे इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे। जब इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। तो अब हम यूज करने वाले हैं CSS मीडिया क्वेरीज फॉर रिस्पॉन्सिव लेआउट। सबसे पहले हमें लिख देना है @media और उसके बाद में हमें लिखना होता है ओनली और उसके बाद में स्क्रीन। एंड देन देखिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है एंड और ब्रैकेट के अंदर हमें लिख देना है मैक्स विड्थ। तो देखिए मैक्स विड्थ हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं वो कॉलन साइन के साथ में लगाएंगे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 769 पिक्सल। मैं डेमो आपको एक बना के दिखाता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैं एक बार बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे चलिए बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे रेड। इसका मीन क्या हुआ देखिए गाइस, जब आपके डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ कहाँ तक पहुँच जाए 769 पिक्सल तक, तब तक आपका जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का वो रेड होगा। तो ये वाली मीडिया क्वेरी देखते हैं यहाँ पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। सो देखिए जैसे ही करते हैं हम सेव, हमें कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दिया क्योंकि हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, एंड के बीच में हमने गैप नहीं दिया। तो यहाँ पे हमें स्पेस देना है और सेव करना है। सेव करेंगे जैसे ही देखिए बॉडी का बैकग्राउंड हो गया आपका रेड, तो मैक्सिमम कहाँ तक रहेगा 769 पिक्सल तक। तो इसको देखिए मैं जैसे स्क्रीन को करता हूँ बड़ा, यहाँ पे स्क्रीन को जैसे हम बड़ा करते हैं 769 पिक्सल के बाद में देखिएगा बैकग्राउंड आपका वाइट हो रहा है। जैसे मैक्सिमम है आपकी मैक्स विड्थ हो जाएगी 769 पिक्सल, तो आपका बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से मीडिया क्वेरीज आपकी वर्क कर रही है। तो चलिए देखें यहाँ पे हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने ओनली आपको समझाने के लिए लगाया था, इसको कर देना है रिमूव। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें किसको स्टाइल करना है, जो हमारी नेविगेशन 1 है उसको, तो हमें ऊपर आ जाना है जहाँ पे हमने नेव 1 को क्रिएट किया था। यहाँ पे हेडर के बाद में देखिए नेव 1 को हमने स्टाइल किया था, तो इस कंप्लीट नेव 1 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मीडिया क्वेरी के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी क्रिएट करी है। यहाँ पे आने के बाद में कर लेते हैं पेस्ट। चलिए इस स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वापस से, ये देखिए यहाँ पे। सो अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देंगे इसकी पोजीशन रिलेटिव
और साथ में ही मैं यहाँ पे ऐड करूंगा z इंडेक्स, और चलिए इसकी वैल्यू सेट कर देते हैं यहाँ पे 2, आप कितनी भी सेट कर सकते हो। और इसके बाद में इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम सेट करेंगे वाइट, क्योंकि आगे प्रॉब्लम आने वाली है, इसके लिए पहले ही कर देते हैं। और ये जितना भी कोड है इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे डिलीट, कोई बात नहीं है, ये सारा कोड अपना किया हुआ है, इसको करेंगे सेव। तो देखिए ऑटोमेटिक आपका इतना सेट हो चुका है, लेकिन परफेक्टली कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो अपन ने स्टाइलिंग करी है उसका कोई अभी इफेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ी देर बाद में देखा जब हम आइकन्स को स्टाइल करेंगे। तो देखिए इसके बाद में जो आपके ये आइकन्स हैं इनको हमें स्टाइल करना है। तो देखिए टॉप पे आते हैं जहाँ पे हमने इनको स्टाइल किया था, नेव वन के अंदर हमने जो ये वाला क्रिएट किया था राइट वाला सेक्शन जिसके अंदर हमने आइकन अप्लाई किए थे, इसको कॉपी करेंगे और मीडिया क्वेरी के अंदर आ जाते हैं। यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या चेंजेस करने हैं, हमें इस सारे कोड को तो एक बार हटा देना है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि जब तक हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे ये एज इट इज पड़ा रहेगा। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस फॉन्ट साइज सेट कर देनी है आइकन्स की 15 पिक्सल की, और साथ में मार्जिन सेट कर देना है लेफ्ट और राइट से कर देंगे 5 पिक्सल का। जैसे ही करता हूँ मैं सेव, ये देखिए मैजिक, ऑटोमेटिक हमारा टॉप वाला जो नेविगेशन बार है वो सेट हो चुका है। अब हमें किसको स्टाइल करना है, हमारी जो सेकंड नेविगेशन है उसको हमें सेट करना है। तो देखिए जो सेकंड वाली नेविगेशन है उसके ऊपर आ जाते हैं, इस कंप्लीट कोड को कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, नीचे आते हैं मीडिया क्वेरी के अंदर, और इस मीडिया क्वेरी के अंदर कर लेते हैं इस कंप्लीट कोड को पेस्ट। अब देखिए हमें क्या करना है, ये कंप्लीट कोड सेम रखना है, इसके लिए इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे हाइट 120 पिक्सल है, ठीक है, तो इसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 80 पिक्सल। सेव करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हाइट कम हो चुकी है आपकी नेव 2 की साथ में ही। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए जो ये वाली स्टाइलिंग है वो आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस हमें नहीं करना। तो जिसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होता उसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। हम कर देंगे डिलीट, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमें चेंज किसको करना है, जो आपके आइकन्स हैं, ठीक है, ये जो आपके आइकन है यहाँ पे देखिए आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा, तो इनको हमें सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे, देखिए जो नेविगेशन 2 में आपका लेफ्ट वाला सेक्शन है जिसके अंदर आपके आइकन्स हैं, तो पहले नेव 2 के ऊपर आते हैं, ये देखिए राइट वाला सेक्शन है और यहाँ पे राइट लेफ्ट वाला भी आपको दिखाई दे जाएगा, ये रहा। तो यहाँ से इस कंप्लीट कोड को ही कर लेते हैं हम कॉपी, पूरे नेव को ही उठा लेते हैं सेकंड वाली को, तो यहाँ से उठाते हैं कॉपी करते हैं और मीडिया क्वेरी के अंदर कर लेते हैं इसको पेस्ट। अब देखिए इसको करते हैं अब स्टाइल, स्टाइल क्या करना है, जो मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है उसको हमें कर देना है 0 पिक्सल। सेव करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको जो यहाँ पे जो गैप था वो रिमूव हो चुका है। अब जो आपका H1 है उसके अंदर जो फॉन्ट साइज 2 रैम है इसको हमें कर देना है 1.5 रैम, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो लेटर स्पेसिंग है उसको कर देना है 2 पिक्सल का। तो देखिए जो सेंटर के अंदर आपका H1 है यानी जो अपना लोगो है इसको देखिएगा आप, यहाँ पे जैसे ही मैं करता हूँ सेव, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका लोगो वाला सेक्शन भी सेट हो चुका है। तो अब ये जितना भी कोड था हमने ओनली 2 चीज़ें चेंज करी है, ये फॉन्ट वेट वाला उड़ा देंगे और कलर उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो सेंटर वाला है जिसके अंदर स्पेन वाला था कलर, ये हमें एज इट इज चाहिए, तो इसकी भी कोई ज़रूरी नहीं है, सेम रहेगा। तो अब जो पैराग्राफ है देखिए उसमें कलर ब्लैक ग्रे है आपका, जो फॉन्ट साइज है उसको मैं कर दूंगा 10 पिक्सल की, ठीक है। सेव करते हैं, तो ये देखिए ऑटोमेटिक जो आपका पैराग्राफ था वो 10 पिक्सल का हो चुका है उसकी फॉन्ट साइज। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो आपका आइकन है राइट वाले सेक्शन के अंदर उसको सेम पड़ा रहने देते हैं क्योंकि ये सही लग रहा है यहाँ पे, तो इतना हमने सेट कर लिया। अब जो आपकी नेव 3 है उसको देखिए हमें क्या करना है, हमें अभी शो बिल्कुल नहीं करना, तो नेविगेशन 3 को हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले एज ए नन कर देंगे। अब करते हैं सेव, तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपकी जो नेविगेशन बार है वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब जो आपके फीचर्ड वाला सेक्शन है इसके ऊपर हमें एक इफेक्ट क्रिएट करना है, देखिए जैसे स्क्रॉल करेंगे इमेज आपकी फिक्स रहनी चाहिए और टेक्स्ट मूव करना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, जो हमारा क्लास थी फीचर्ड उस पर हमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। सेव करते हैं, अब देखिए जैसे ही हम करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल, ये देखिए बैकग्राउंड आपका उसी जगह पे फिक्स्ड है, टेक्स्ट आपका
मूव कर रहा है। अब सेट करते हैं न्यू अराइवल वाला सेक्शन। तो देखिए जो आपका लेटेस्ट वाला सेक्शन है, इस कंप्लीट सेक्शन को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। कहाँ तक करेंगे? इस कंप्लीट कार्ड वाले को ही एक बार में कॉपी कर लेते हैं, जहाँ तक ये कार्ड है। इस कंप्लीट कार्ड को करूँगा मैं यहाँ से कॉपी, बटन तक आएगा, कॉपी कर लेते हैं। और पूरा का पूरा कोड हम किस में लिख देंगे? मीडिया क्वेरी के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब देखिए टॉप पे आते हैं लेटेस्ट वाले से, यहाँ पे ये पूरा कोड मीडिया क्वेरी के अंदर है। तो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट के अंदर जो पैडिंग दी हुई है वो लेफ्ट टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल की थी, तो इसको मैं कर दूंगा 0 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक पैडिंग आपकी टॉप से कम हो चुकी है। यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट है वहां से भी हम पैडिंग कम कर देंगे, 50 पिक्सल की। सेव करते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक लेफ्ट और राइट से भी आपकी पैडिंग हो चुकी है। अब जो आपका कार्ड कंटेनर है, देखिए इस कार्ड कंटेनर के अंदर आपको क्या करना है, मार्जिन दिया हुआ है 4 RAM का, इसको हमें कर देना है 2 RAM। इतना कर देते हैं, इसको करते हैं सेव। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इतना इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने से आपको कितना इफेक्ट दिखाई दे रहा है। ये देखिए जिस प्रॉपर्टीज में हम चेंजेस नहीं कर रहे उनको हम कंप्लीट डिलीट कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हम चेंज कर रहे हैं बस वही हमें रखना है। अब देखिए कार्ड कंटेनर के अंदर जो आपके कार्ड्स हैं उनके अंदर हमें क्या करना है, फ्लैक्स बेसिस इनके सेट कर देंगे हम 20% की जगह 100%। अब देखिएगा मैजिक, जैसे मैं करता हूँ इसको सेव, ऑटोमेटिक आपके कार्ड की ये वाली स्टाइलिंग आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस कार्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी और यूज कर लेनी है, वो करनी है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब देखिएगा मैजिक, जैसे ही मैं करता हूँ इसको सेव, ये देखिए ऑटोमेटिक आपका कार्ड सेंटर में आ चुका है। अब यहाँ पे देखिएगा मैं आपको एक मैजिक दिखा देता हूँ। हमने कार्ड को स्टाइल किया था, जैसे हम इसको स्क्रॉल करते हैं हमारा पॉपुलर प्रोडक्ट वाला सेक्शन ऑटोमेटिक सेट हो चुका है बिना किसी कोड को किए, क्योंकि हमने कार्ड सेम यूज किए थे दोनों जगह पे। इसके लिए ऑटोमेटिक ये वाला सेक्शन भी स्टाइल हो चुका है। अब हमें ओनली ट्रेंडिंग वाला ये सेक्शन को स्टाइल करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ट्रेंड्स वाला क्रिएट किया था, तो इस कंप्लीट ट्रेंड वाले को कर लेंगे यहाँ से कॉपी। और आते हैं हमारी मीडिया क्वेरी के अंदर नीचे, और मीडिया क्वेरी में कर लेते हैं इस कोड को पेस्ट। अब देखिए हमें चेंज कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमने ये ट्रेंड्स वाला क्रिएट किया था। सबसे पहले इसके अंदर हमें पैडिंग सेट करनी पड़ेगी, टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से कर देंगे 50 पिक्सल। सेव कर, तो ये देखिएगा मैजिक, अभी लेफ्ट और राइट से 50 पिक्सल आपको मिल चुकी है पैडिंग। परफेक्टली नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो हाइट और विड्थ है इमेज की वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको कर देंगे 360 और हाइट को भी कर देंगे 360। अब देखिए जैसे ही करते हैं इसको सेव, सो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका स्लाइडर एकदम परफेक्टली दिखाई दे रहा है। तो ज़्यादा कोई कोड हमने नहीं किया, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और ऑटोमेटिक सेक्शन आपके सेट हो रहे हैं। अब चलिए जो फूटर वाला सेक्शन है उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। तो आते हैं अगेन टॉप पे, और जो फूटर हमने क्रिएट किया था टॉप में, यहाँ पे देखिए इस कंप्लीट फूटर के अंदर बस एक कोड हमें उठाना है, वो है आपका फ्लैक्स बेसिस। तो इस फ्लैक्स बेसिस वाले डिव को कॉपी करूँगा, नीचे आऊँगा मीडिया क्वेरी के अंदर और करता हूँ पेस्ट। और देखिएगा फ्लैक्स बेसिस मैं कितना सेट करूँगा यहाँ पे 50%। अब देखिएगा जैसे ही करता हूँ सेव, ये देखिएगा मैजिक, अभी ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। अब साथ में देखिए ये जो डिव है, यहाँ पे तीनों डिव्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो इसके अंदर हम सेट करेंगे मार्जिन। तो यहाँ पे मार्जिन देंगे टॉप और बॉटम से, चलिए 10 पिक्सल का, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव करते हैं। ये देखिए परफेक्टली इनके बीच में इतना गैप आपको मिल चुका है। ये देखिए यहाँ पे हमने अपनी कंप्लीट वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना लिया है बिना किसी कोड को किए। अब एक चीज इसके अंदर पेंडिंग है, वो आपके हैं मेन्यू बार। तो मेन्यू बार कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक आइकन क्रिएट करना पड़ेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आते हैं अपनी HTML वाली फाइल में, और जहाँ पे हमने मेन्यूज क्रिएट किए हैं उनके पास में ही आ जाते हैं। मैं एक अनदर सेक्शन क्रिएट करता हूँ, और उस सेक्शन को मैं यहाँ पे ID दे देता हूँ, चलिए साइड नेव। अब इस साइड नेव के अंदर देखिए मैं क्या करूँगा, इस कंप्लीट कोड को जो हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी थी नेव टैग के अंदर, इस कंप्लीट कोड को करते हैं कॉपी। तो यहाँ पे साइड नेव के अंदर कर लेंगे हम पेस्ट। अब देखिए जो एक लिस्ट हमने क्रिएट करी थी टॉयज वाली, इसको मैं यहाँ से तो कर दूंगा कट, और इसको सबसे लास्ट में देखें यहाँ पे जो लिस्ट आइटम है यहाँ कर लूंगा पेस्ट लास्ट में। अब सेव करते हैं।
आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अपनी वाली फाइल नहीं है, अपनी वाली ये वाली है। देखिए यहाँ पे सारी लिंक्स आपको शो हो रही है, लेकिन एक चीज देखिएगा, जैसे मैं इसको बड़ी साइज में ओपन करूंगा तो ये लिंक्स आपको यहाँ पे भी शो होगी। तो हमें क्या करना है, मीडिया क्वेरी के बाहर इन लिंक्स को कर देना है डिस्प्ले एज ए नन। तो देखिए कैसे करते हैं, CSS में आ जाते हैं, ये आपकी मीडिया क्वेरी वाला कोड है कंप्लीट। तो मीडिया क्वेरी के बाहर हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे जो हमारी साइड नेव है जिसकी आईडी हमने सेट करी है साइड नेव, इसको हमें कर देना है डिस्प्ले एज ए नन। तो सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए ऑटोमेटिक हाइड हो चुकी है। सेम एज इट इज क्या करेंगे, जो आपकी मेन्यू बार है, अभी हमने क्रिएट नहीं करी है मेन्यू बार, उसको भी कर देंगे डिस्प्ले एज ए नन, क्योंकि वो भी दिखाई नहीं देनी चाहिए। सेव कर देते हैं मीडिया कैरी के बाहर। अब आते हैं HTML वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे जो हमारी मेन्यू बार है उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, इस सेक्शन के बाहर क्रिएट कर लेते हैं जस्ट पास में। तो वो एक आपका आइकन है, क्लास सेट कर देंगे उसकी, फॉर डैश एंकर है वो, यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने क्लास सेट नहीं करी या आईडी सेट नहीं करी। तो सेट किया है हमने, उसका आईडी सेट करी है मेन्यू बार, तो यहाँ पे इसके अंदर हमें आईडी दे देनी है उसको मेन्यू बार। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ से भी वो हाइड हो चुकी है। अब देखिए जैसे हम मोबाइल व्यू में आते हैं यहाँ पे हमें वो शो होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी में हमें आ जाना है और मीडिया क्वेरी के अंदर हम उसका कोड कर लेते हैं। चलिए यहीं पे कोड लिख देते हैं मीडिया क्वेरी के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपकी आईडी है साइड नेव, उसको हमें क्या कर देना है, डिस्प्ले एज ए ब्लॉक कर देना है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए आपको यहाँ पे शो होने लग गए, जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे आएंगे आपके हाइड हो जाएंगे, स्मॉल स्क्रीन पे आते ही शो हो जाएंगे। तो इतना हमने सेट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो आपकी मेन्यू बार है उसको भी शो कराना है। तो क्या कर देंगे, जो आईडी है आपकी मेन्यू बार, उसका भी डिस्प्ले क्या कर देंगे एज ए ब्लॉक। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, सो ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाला आइकन भी दिखाई देने लग गया। अब जो आपकी मेन्यू बार है उसको स्टाइल करना है। देखिए मेन्यू बार को क्या स्टाइल करना है, सबसे पहले उसकी पोजीशन सेट कर देनी है एब्सोल्यूट, और कहाँ पे चाहिए हमें, टॉप से 50% पे, और साथ में ही ये हमें कहाँ पे चाहिए, राइट से बिल्कुल 0% पे। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या करना है, एकदम परफेक्टली सेंटर में आ जाए उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म सेट कर देना है, ट्रांसलेट करना है। एक्स एक्सिस से हमें कोई भी नहीं चाहिए और वाई एक्सिस से एकदम परफेक्टली सेंटर में चाहिए। तो इतना हमने सेट कर दिया। अब देखिए जेड इंडेक्स सेट कर देंगे इसका 99, ताकि ऑलवेज टॉप पे ही रहे प्राइमरी, और साथ में ही देखिए जो टेक्स्ट का कलर है उसको हम सेट कर देंगे यहाँ पे वाइट। अब देन देखिएगा जो फॉन्ट साइज है इसकी, वो हम सेट करेंगे यहाँ पे 2 RAM की, और इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं पैडिंग। तो पैडिंग देखिए क्या ऐड करने वाले हैं, इसके अंदर हम पैडिंग ऐड करेंगे टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल की, लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, तो ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हमें एनिमेशन भी अप्लाई करना है, जैसा कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि एनिमेशन देखिए कलर चेंज हो रहा है, तो सेम हमें अपने वाले में भी कर लेना है क्रिएट। तो जब मेन्यू तो एनिमेशन कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें लिख देना है एनिमेशन। अब एनिमेशन का नेम लिखना है, तो चलिए नेम दे देते हैं एनिमेट, और कितना होना चाहिए, 5 सेकेंड तक होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, एकदम स्मूदली, और कब तक होना चाहिए, इनफाइनाइट। अब इस एनिमेशन को क्रिएट करते हैं, तो लिखना होता है @ की फ्रेम्स, और आइडेंटिफायर हो जाएगा आपका एनिमेट। अब देखिए इसके अंदर एनिमेशन क्या बनाते हैं, जब आपका एनिमेशन होता है स्टार्ट 0% पे, तो होना क्या चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए आपका सेकेंडरी, और जब आपका एनिमेशन हो कम्प्लीट 100% पे, तो क्या होना चाहिए, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए प्राइमरी। बस इतना ही हमें सेट करना है। सेव करते हैं, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए ऑटोमेटिक इसका कलर आपको चेंज होके दिखाई दे रहा है। तो हमारे मेन्यूज हैं, इनको हमें स्टाइल करना है।
स्टाइल करना बहुत सिंपल, हमें कुछ भी कोड नहीं करना। जहाँ पे हमने नेविगेशन थर्ड को क्रिएट किया था टॉप के ऊपर, देखिएगा मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे हमने ये नेविगेशन थर्ड क्रिएट करी थी, सेम देखिएगा यहाँ से इस कंप्लीट कोड को मैं करूँगा कॉपी। देखते रहिएगा, जहाँ तक हमने ये नेविगेशन क्रिएट करी थी इस कंप्लीट कोड को मैं कर लूँगा कॉपी, और आते हैं नीचे इस कोड को कर लेना है पेस्ट। अभी देखिएगा मैंने कंप्लीट कोड को मीडिया क्वेरी के अंदर पेस्ट कर लिया है। अब जहाँ जहाँ पे हमने नेव 3 लिखा है, ठीक है, इसकी जगह हमें क्या कर देना है, बस आईडी लगानी है साइड नेव। करता हूँ सेव, आते हैं ब्राउजर पे, ये देखिए अभी ऐसे कुछ सेट हुआ है इसको। चलिए इसको भी स्मॉल साइज में ओपन कर लेते हैं ताकि आराम से समझ में आ जाए। अब देखिए नेव 3 के अंदर जो यूएल है, तो इसको मैं क्या करूँगा, जो हमारी आईडी है साइड नेव, उसके अंदर जो यूएल है सेव करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, एकदम परफेक्टली मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, कुछ भी चेंजेस हमें इनके अंदर नहीं करने हैं, एकदम सेम टू सेम हम रखने वाले हैं। अब देखते रहिएगा कंटिन्यू। इसके अंदर मैं सेट करूंगा पोजीशन, और वो पोजीशन दूंगा मैं एब्सोल्यूट। अब उसके बाद देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी विड्थ यहाँ पे 100% है, उसको मैं सेट करूंगा यहाँ पे 250 पिक्सल की। अभी देखते रहिएगा, सेव करते हैं, ऑटोमेटिक इस साइड आ चुके हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि जस्ट इसके नीचे हैं। तो यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, देखें जेड इंडेक्स, और उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, चलिए 3 सेट कर देते हैं। सेव करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गए। अब यहाँ पे देखिए मैं इसकी जो हाइट है उसको यहाँ पे 70 पिक्सल की जगह सेट करूंगा 100 VH, यानी व्यू पोर्ट हाइट। सेव करते हैं, ये देखिए कंप्लीट स्क्रीन पे आ गए। अब नेक्स्ट देखिए और मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, यहाँ पे हम सेट करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो देखिए बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे सेट करेंगे, सेव करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। अब देखिए हमें क्या करना है, हेडिंग ऐड कर देनी है टॉप से, और उसको हमें सेट करना है 70 पिक्सल का। सेव करते हैं, डिस्प्ले एज ए ब्लॉक, सेव करते हैं, ये एज ए ब्लॉक की फॉर्म में बन चुके हैं यहाँ पे। और साथ में ही देखिएगा नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, उसको हम कर देंगे हिडन, एंड देन देखिए ट्रांजिशन ऐड करेंगे इसके अंदर 0.5 सेकेंड का एस इन आउट। सेव करते हैं, ये देखिए इतना सेट हो चुका है। हमने यहाँ पे पोजीशन तो सेट कर दी एब्सोल्यूट, लेकिन ये कहाँ पे होना चाहिए वो हमने सेट नहीं किया, तो उसको सेट करेंगे टॉप से 0, और क्या कर देना है लेफ्ट से भी 0 मार्जिन पे सेट करना है। सेव करते हैं, ये देखिए अब मैजिक ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने नेव 3 लिखा है नीचे, और इसकी जगह भी क्या कर देना है हमें, हमें लिख देना है साइड नेव। डिस्प्ले एज ए इनलाइन ब्लॉक दिखाई दे रहा है, उसकी जगह हमें कर देना है जस्ट ब्लॉक। सेव करते हैं, ये देखिए एज ए ब्लॉक की फॉर्म में दिखाई देने लग गए हमें। और जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है यहाँ पे, चलिए इसको रिमूव कर देते हैं। सेव करते हैं, तो ये देखिए परफेक्टली एकदम इस साइड आ चुके हैं आपके, बिना सेंटर हुए। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर जो यहाँ पे विड्थ आपको दी हुई है 150, तो चलिए इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, कर देंगे 200। सेव करते हैं, सो ये देखिए ऑटोमेटिक इतना सेट हो चुका है। मार्जिन ऐड करेंगे यहाँ पे टॉप और बॉटम से, कर देते हैं 10 पिक्सल का, लेफ्ट और राइट से कर देंगे 20 पिक्सल। सेव करते हैं, ये देखिए परफेक्टली इतना गैप मिल चुका है। अब उसके बाद में जो LI के अंदर आपका A टैग है, इसको स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे भी जो नेव 3 है, इसकी जगह क्या करेंगे हम, कर देंगे इसको साइड नेव। सेव करते हैं, ये देखिए अभी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्योंकि कलर यहाँ पे ब्लैक है, तो इस ब्लैक की जगह हमें कर देना है वाइट। सेव करते हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक वाइट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, देखिए फॉन्ट साइज है, उसको हमें सेट कर देना है, तो फॉन्ट साइज कर देंगे 20 पिक्सल की। सेव करते हैं, ये देखिए बड़े हो चुके हैं, और डिस्प्ले एज ए ब्लॉक है ही पहले से, चलिए पैडिंग भी ऐड कर देते हैं इनके अंदर। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे पैडिंग, सेव करते हैं, परफेक्टली इतना सेट हो चुका है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, एकदम परफेक्टली सेट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आपका नेव 3 है यहाँ पे, इसकी जगह भी हम कर देते हैं, चलिए साइड नेव। सेव करते हैं, अब देखिए क्या चेंज हुआ,
कुछ भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। यहाँ पे हमें वो ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइन हाइट को सेट कर रखा है। तो इस लाइन हाइट को मैं कर दूंगा यहाँ से रिमूव। चलिए सेव करते हैं। ये देखें मैजिक, ऑटोमेटिक वो आपको नीचे वाले ऑप्शन भी दिखाई देने लग गए। सो ये देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू आपको यहाँ पे दिखाई देने लग गई ऑटोमेटिक। अब ये होवर पे शो होनी चाहिए ना, तो नीचे देखिए। सो इतना हमने सेट कर लिया। अब देखिए ये आगे वाला जो कोड है वो भी हमने साइड नेव पे नहीं बनाया, तो इनके पास में भी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे भी हमें कर देना है। देखिए जैसे करता हूँ मैं साइड नेव, सेव करते हैं। ये देखिए इतना चेंज हुआ, आइकन्स चेंज हो गए, लेकिन जो कलर है वो हमें ये नहीं चाहिए। इनका कलर हमें कर देना है वाइट। अगर आपको ये कलर चाहिए तो आप ये भी रख सकते हो। सेव करते हैं। ये देखिए मुझे वाइट ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैंने इतना सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे भी नेव 3 की जगह मुझे क्या कर देना है, साइड नेव करना है। सेव करते हैं। परफेक्टली आपकी हाइट हो चुकी है। जैसे ही होवर करेंगे, अब देखिए होवर पे हमें शो होना चाहिए, तो नीचे वाला जो कोड है ये देखिए, इस जगह पे भी हमें क्या कर देना है, नेव 3 की जगह आईडी लगा देनी है, साइड नेव। सेव करते हैं। अब देखिए जैसे ही करेंगे होवर, अभी भी नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि होवर वाला तो चेंज किया ही नहीं ना हमने। यहाँ पे देखिए जो होवर वाला है इसको भी चेंज कर देते हैं, किसमें, साइड नेव में। अब करते हैं सेव। अब देखिएगा जैसे करेंगे होवर, अजीब दिखाई देने लग गया। क्यों दिखाई देने लग गया, क्योंकि यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोड है आपका साइड नेव के अंदर, जो सेकंड वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसमें जो लिस्ट आइटम है उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो रखा है। इसको रिमूव करना है। सेव करते हैं। अब देखिए जैसे ही करेंगे होवर, ये दिखाई देने लग गया। और जो बॉर्डर है इसका कलर भी चलिए हम व्हाइट सेट कर देते हैं। तो जो प्राइमरी है इसको रिमूव करके सेट करेंगे व्हाइट। सेव करते हैं। अभी देखिए जैसे ही करेंगे होवर, ऑटोमेटिक आपको इतना दिखाई देने लग गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो आपकी नेविगेशन बार है ये हमें कब दिखाई देनी चाहिए, जब इस पे हम करेंगे क्लिक। तो देखिए मेन्यू बार पे क्लिक होने पे दिखाई देनी चाहिए। उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो हमें एक स्क्रिप्ट है क्रिएट कर लेना है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनको गेट कर लेना है। यहाँ पे जो हमारी साइड नेव है उसको हमें थोड़ा सा स्टाइल करना है। क्या करना है, उसकी जो विड्थ है उसको हमें सेट कर देना है कितना, 0 पिक्सल। देखिए 0 पिक्सल मैंने क्यों सेट किया है, क्योंकि जब इस पे क्लिक होगा तब इसकी विड्थ हो जानी चाहिए 250 पिक्सल। अभी 0 पिक्सल है, देखिए हाइड हो चुका है, ऑटोमेटिक नेविगेशन। अब सेम एज इट इज सीएसएस के अंदर भी हमें कर देना है, जहां पे हमने ये साइड नेव क्रिएट किया है ऊपर। ये देखें यहाँ पे 250 है, इसको हमें कर देना है 0 पिक्सल। 250 कब होना चाहिए, जब आपकी मेन्यू बार पे क्लिक हो। तो ये हमारी मेन्यू बार है, इस पे जब क्लिक होगा तो चेंज होना चाहिए कितना, 250 विड्थ हो जाए ऑटोमेटिक। यही कोड हमें लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए एक फंक्शन बनाते हैं। जब आपका मेन्यू बार पे कोई भी करता है क्लिक, तो ऑन क्लिक फंक्शन लगा देते हैं, सॉरी इवेंट लगाते हैं। तो जब ऑन क्लिक होता है तो आपका एक फंक्शन चलता है, और जब फंक्शन चलेगा तो आपकी कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या चेक होगी कि इफ क्या, ये वाला जो आपने स्टाइल अप्लाई किया है अगर ये ट्रू है, ठीक है, तो कंडीशन के अंदर कर देंगे पेस्ट। अगर आपकी जो साइड नेव है उसकी विड्थ इक्वल है किसके, 0 पिक्सल के, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो जो आपकी साइड नेव है उसकी विड्थ हो जाए 250। एल्स के अंदर क्या हो, आपकी जो साइड नेव की विड्थ है वो सेम एज इट इज पड़ी रहे। इसको करते हैं सेव। आते हैं ब्राउजर पे। अब देखिए जैसे ही करते हैं इसके ऊपर हम क्लिक, हमारी साइड नेव हमें दिखाई दे रही है। अगेन क्लिक करते हैं, साइड नेव हाइड शो हो रही है, हाइड हो रही है। ये कंप्लीट वेबसाइट हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली है गाइस। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।